नमस्कार दोस्तों, दास टेक्निकल हब में आपकी स्वागत है एक बार फिर नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम लोग 45 वाट सूर्या कंपनी की डोम लाइट रिपेयर करना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसे होल्डर पे लगा के हम चेक कर देते हैं फॉल्ट क्या है। देखिए दोस्तों होल्डर पे लगा दिया, बिल्कुल डेड कंडीशन, बिल्कुल बंद पड़ी है। इसमें दोस्तों पूरी करंट है, मैं इसमें एक बार चेक करा देता हूँ आपको, ताकि आपको लगे ना कि इसमें करंट है ही नहीं। देखिए फर्स्ट क्लास ग्लो हो रही है। तो दोस्तों इसे खोलने के बाद ही पता चलेगा क्या फॉल्ट है क्या नहीं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे एक बार डिफ्यूज़र खोल के चेक कर लेंगे। इस तरीके का चक्कू का इस्तेमाल करेंगे और देखिए इस तरीके से डिफ्यूज़र खुल जाती है। डिफ्यूज़र खोल दिया, डिफ्यूज़र खोलते के साथ ही दोस्तों MCPCB सबसे पहले नज़र आती है। तो दोस्तों MCPCB देखना बहुत ज़रूरी है, कई बार MCPCB ख़राब होने के कारण बिल्कुल बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये देखिए इसमें बहुत सारी SMD फूकी हुई है। ये देखिए एक ये रहा, ये देखिए एक ये रहा, बीच में काला बिंदी पड़ जाता है। ये देखिए एक ये रहा, एक और ये रहा, बहुत सारी दोस्तों इसमें फूकी हुई है। एक बार डिफ्यूज़र खोल कर भी चेक कर लेंगे। देखिए जहाँ जहाँ देखिए हल्की हल्की जल रही है और जो ब्लैक पड़ी हुई है यानी कि जो जल गई है SMD, उसमें शॉर्ट करेंगे तो शायद जल जाए। देखिए जल गई। तो दोस्तों इसकी देखिए ज़्यादातर अधिकतर इसकी PCB पूरी तरह एक तरह से ख़राब है। तो एक बार मल्टीमीटर से हम इसकी आउटपुट सप्लाई देख लेंगे कि अंदर सर्किट सही है या नहीं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, ये देखिए दोस्तों 159-60 तक आ रही है। देखिए हमारे ड्राइवर सर्किट बिल्कुल ओके है। दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी, कभी भी आप रिपेयर करो तो आउटपुट सप्लाई देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये देखिए बढ़िया करंट आ रही है, तो हमारे ड्राइवर सर्किट बिल्कुल ओके हैं। इसमें दोस्तों दो तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हो। पहला ये है कि इसकी सारी की सारी SMD आप चेंज कर दो। दूसरा ये है कि दोस्तों इसकी MCPCB पूरी की पूरी ऐसी MCPCB न्यू लगा दो। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी नई MCPCB लगाएंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने 50 वाट की एक प्लेट MCPCB में साड़ी की साड़ी 50 के 50 SMD चेंज करके वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों अगर वो वीडियो आपने मिस कर दी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अब देखिए इसकी साड़ी की साड़ी ख़राब है, तो हम इसके जगह दूसरी MCPCB लेंगे। और देखिए ये वाली PCB जो है बहुत ही बेहतर क्वालिटी की है। इसमें दोस्तों ये वाली माइनस पॉइंट है, एक माइनस होते हैं, 3 प्लस का पॉइंट होता है। इसके दोस्तों 30 से लेके 50 तक यानी कि 30, 40, 50 तीनों वाट में आप इसे जला सकते हो। फिलहाल दोस्तों इसे हम 45 वाट में जलाना है, तो 50 वाट की कनेक्शन देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे 3 होल कर देंगे। अब दोस्तों इसमें तीनों पेच हमने लगा दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब दोस्तों ये किनारी पर जो सिलिकॉन लगी हुई है, एक सिलिकॉन हमने हटा देना है और इसे थोड़ी साफ़ कर लेंगे। ये सिलिकॉन दोस्तों रबर की तरह हो जाता है सूखने के बाद। इसे हम बढ़िया से साफ कर लेंगे और दोबारा हमने इस पर सिलिकॉन लगा देंगे। सिलिकॉन लगाना दोस्तों इतनी ज़रूरी नहीं है, पर सिलिकॉन लगाने से क्या होगा, कभी भी डिफ्यूज़र बाहर निकालने की रिस्क नहीं रहेगा। हमने डिफ्यूज़र लगा देना है।
दोस्तों तैयार हो चुका है हमारा 45 वाट सूर्या कंपनी की डोम लाइट रिपेयर। अब एक बार चेक कर लेंगे, देखिए फर्स्ट क्लास ग्लो हो रही है। दोस्तों वीडियो में आपको ब्लिंकिंग ज़रूर दिख रही होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, कैमरे में दिखता है ऐसा, हमारा उतना महंगा कैमरा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।